माई चैनल पिज़्ज़ा फूड इंडिया। आज हमने बनाया है खीर और पूरी। ये देखिए हमारी खीर पूरी रेडी। चलिए इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया 1.5 लीटर दूध। ये दूध हमने पका कर ठंडा कर लिया। अब ये है चावल और इलायची का पेस्ट, और इसके चावल इलायची के पेस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे दूध में। ठंडे दूध में हम ऐड कर रहे हैं। इसे मिलाकर अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गिल्टियाँ ना रहें। ठंडे दूध में हम इसे मिला रहे हैं। अच्छे से हमें इसे मिलाना है, मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गिल्टियाँ ना रहें। अब इसे हम गैस पर चढ़ाएंगे। ये देखिए गैस पर चढ़ाने के बाद हमें प्रॉपर इसको लगातार बिना रुके चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। अगर हम इसको चलाना बंद कर देंगे तो इसमें गिल्टियाँ पड़ जाएंगी। अब इसमें हम चलाते हुए गाढ़ा करना है इसे हमें। ये देखिए ये हमारा मावा है। ये देखिए ये चलाते चलाते काफ़ी ठीक होने लगी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मावा। 250 ग्राम हमारा ये मावा है, खोया जिसे आप बोलते हैं। देखिए मावा को भी हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गिल्टी ना रहे। अच्छे से मिक्स करना है, फायदे से चलाना है इसे हमें। ये देखिए हमारी खीर काफ़ी थिक हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। जी हाँ, चीनी ऐड करेंगे हम अपनी मिठास के अनुसार। आप चाहे चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ 300 ग्राम चीनी ली है। आप चाहे तो ज़्यादा मीठी रख कर ले या फिर कम, जैसे आपको पसंद हो। हमने मीडियम मीठा रखा है खीर को। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। ये देखिए हमने काजू और बादाम को महीन महीन काट कर इसमें ऐड करके इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए काजू बादाम हमारे। अब हम इसमें ऐड करेंगे केवड़ा। ये देखिए एक ढक्कन हमने इसमें केवड़ा ऐड कर दिया खुशबू के लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। हमने गैस ऑफ कर दिया है। अब हम खीर को, हमारी खीर रेडी है। ये देखिए हमने खीर के साथ पूड़ियाँ भी बनाई हैं, खीर के साथ खाने के लिए पूड़ियाँ। आप चाहे तो सिर्फ खीर भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। हमारे यहाँ खीर और पूड़ी खाई जाती है, इसलिए हमने खीर और पूड़ी बनाई है। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ भी रेडी हो गई हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। एंजॉय करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली और भी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।